जहाँ प्रार्थनाएं करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुख भागो। सबके मंगल कामना, सबकी प्रार्थना। ये वो धरती जहाँ दूसरों को पहले खिला लेते हैं और बाद में खुद खाने का सोचते हैं।
हम भूखे रह जाएं पर हमारे द्वार से कोई भूखा न जाए, ऐसा भाव रखने वाले लोग और आज उनकी मानसिकता कैसे बदल गई, ये आज हम सबको सोचना होगा। पहले ऐसी स्थिति थी, स्थिति ये थी, अन्न बहुत थोड़ा होता था, किसान बहुत कम अन्न उगा पाता था क्योंकि साधन नहीं थे, साधन पर्याप्त नहीं थे। थोड़ा सा अन्न होता था लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ही सही खाकर सोते थे, कोई भूखा नहीं सोता था। आज अन्न भी बढ़ने लगा, बहुत मात्रा में अन्न बढ़ने लगा, तीन तीन फसलें किसान लेने लगे, अन्न की वृद्धि होने लगी, साधन बढ़ गए। पर देखा जाता है कि आज पहले की अपेक्षा आज फुटपाथ पे भूखे ज्यादा सोते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा सा ही सही पर खाकर सोते थे, आज भूखों की ज्यादा तादाद बढ़ गई। अन्न तो बढ़ा पर भुखमरी भी बढ़ गई। आप चिंतन करिए, इस देश में जहां पर पक्षियों को दाना देकर के बाद में खाते हैं, जहां पहली रोटी गौ माता को निकालते हैं, जहां बाद की रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं, जहां पहली थाली ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, जहां पर कोई असहाय, कोई दीन, कोई दुखी आ जाए तो उनके लिए भोजन की थाली देते हैं, ऐसे देश में कई कई लाखों लोग भूखे सो जाते हैं। क्या बदला? हमारी मानसिकता बदली, हमारे विचार बदले। पहले थोड़े में से भी सब मिल बांट कर खाने की भावना रखते थे, आज एक एक के पास बहुत आ गया लेकिन बांटने की वृत्ति चली गई, देने की भावना चली गई, मिलकर खाने की, बांटकर प्रसाद बनाकर खाने की भावना चली गई, अब बटोरने की भावना हम सबके भीतर आ गई। जितना हो सके बटोर लिया जाए, पर एक बात याद रखना, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, विषाद माने विष जहर, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। पहले प्रसाद बनाकर खाने की हमारी भावनाएं थी, हम मिलकर खाते थे, बांटकर खाते थे, एक दूसरे को खिलाकर खाते थे, पड़ोसी की चिंता करते थे, भूखे की चिंता करते थे, सबकी चिंता करते थे, लेकिन आज तरक्की करते गए हम, पर हमारी भावनाएं बदलती गई, भावनाएं छोटी होती चली गई। एक समय ऐसा था कि जब कच्चे मकान होते थे, हमारे बुजुर्गों को पता होगा, कच्चे मकान, छोटे छोटे मकान होते थे, पर सब घर में ही आराम से उन कच्चे मकानों में रह लिया करते थे। आज एक एक व्यक्ति के पास दस दस मकान हो गए, पर उस व्यक्ति के पास अपने बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। क्या बदला?